हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज तो आई डोंट थिंक सो कि आपने आज से पहले इस तरह से इतनी आसानी से मोमोज बनाए होंगे या कभी इतने टेस्टी मोमोज खाए होंगे तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो तो मोमोज बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ले लिया है एक कटोरी मैदा तो मैदे में अब हम डाल देंगे नमक बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालें फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का सा नमक डालेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा नमक डाल लिया है मैंने और अब इनको हम कर लेंगे मिक्स नमक को मैदे के अंदर तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एकदम सख्त सा डो लगा के तैयार करेंगे यहाँ पे पानी ध्यान से डालिए ज़्यादा पानी मत डालना थोड़ा सा सख्त डो लगाना होता है मोमोज के लिए तो देखिए मैंने इस तरह से डो लगा के यहाँ पे तैयार कर लिया है बस इस तरह से डो लगाएं और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए पंद्रह मिनट के लिए बीस मिनट के लिए बस पंद्रह मिनट से ज्यादा ज्यादा ही रहने देना ठीक है तो अब हम बना लेते हैं स्टफिंग तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बंद गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है तो आप इस तरह से ग्रेट कर लें बिल्कुल पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करें तो साथ में ही मैंने यहाँ पे गाजर को भी ग्रेट कर लिया है तो अच्छे से इसको ग्रेट करने के बाद अब हम जितना भी इसमें जूस होता है उसको निकाल देंगे बंद गोभी में से भी और गाजर में से भी दोनों में से हमें पूरा पानी निकाल लेना है तो फ्रेंड्स बस इस तरह से अगर आप मोमोज बनाएंगे ना तो सच में आपको बहुत ज्यादा टेस्ट आने वाला है बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का मैंने कुछ भी ज्यादा ऐड नहीं किया है मैक्सिमम ऐसे ही बनाए जाते हैं मोमोज और बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं तो मैं इन सबको अच्छे से निकाल लूंगी निचोड़ लूंगी तो ये जो पीछे सब्जियों का पानी बचता है ना फ्रेंड्स तो इसे आप वेस्ट ना करें आप चाहें तो खुद ही से पी लें या फिर बच्चे को पिला दें ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है इसे फेंकना बिल्कुल भी मत तो अभी हम सारा इसको अच्छे से पानी निकाल देते हैं जितना भी जूस है सब्जियों का तो लीजिए हमारी स्टफिंग के लिए जो सब्जी है वो पूरी रेडी है पानी निकल चुका है पूरा तो अब हम एक पतले तले का पैन ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ज्यादा तेल नहीं डालना है बिल्कुल थोड़ा सा एक या दो डेढ़ चम्मच बस इतना सा ही तेल डाल दें यहां पे और उसके बाद हम जितनी हमने यहाँ पे स्टफिंग के लिए सब्जियाँ ग्रेट की हैं उनको यहाँ पे हम डाल के अच्छे से हाई फ्लेम में पकाएंगे फ्लेम यहाँ पे लो नहीं रखनी है हाई फ्लेम रखनी है क्योंकि हमें ज़्यादा सब्जी को पकाना नहीं है तो दो तीन मिनट के लिए आप सब्जियों को इस तरह से चला लें और उसके बाद इसमें ऐड कर लें नमक तो नमक यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे काले मिर्च सिर्फ ये दो ही चीज़ें मैंने यहाँ मोमोज में डाली हैं और मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कुछ भी ज़्यादा ना डालें सिर्फ काले मिर्च और नमक और अगर आपका ज़्यादा मन हो तो यहाँ पे आप लहसुन भी डाल सकते हैं ग्रेट करके जैसे मैंने सब्जियाँ ग्रेट की हैं इस तरह से आप लहसुन को ग्रेट करके यहाँ पर डाल दें तो उससे भी स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैंने यहाँ पे लहसुन यूज नहीं किया है आप डाल सकते हैं बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डालना है तो यहाँ पे हमारी डो एकदम रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स तो मैंने यहां पे डो को चार पीसेस इक्वल चार पीसेस में कट कर लिया है तो एक एक पीस लेके हम यहाँ पे मोमोज की जो आ, आउटर लेयर है जो स्किन है वो बनाते जाएंगे ठीक है तो हमने पहली को रोल कर लिया है अच्छे से और अब हम इसको बेलेंगे तो यहां पर इसको आपको जितना पतला हो सकता है उतना बेल लें तो बड़े बड़े पीसेस रखें एक एक को बेलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आप उतना टाइम मोमस खाने में इन्वेस्ट करिए ठीक है तो चलिए अभी हम इसको बेल लेते हैं तो इसको पतला बेलिए बट इन केस अगर आपका थोड़ा मोटा रह जाता है तो डोंट वरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो उसका भी मेरे पास उपाय है कि उसको आपने क्या करना है तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी तरह से पतला नहीं किया है हल्का सा मोटा ही लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और बेल लेती हूँ इसको तो बेलने के बाद जब मेरा अच्छे से पतला हो जाएगा तो उतना ज्यादा पतला नहीं किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसके बाद क्या करें तो मैंने यहाँ पे बॉटल के ढक्कन लिए हैं जो डिब्बे आते हैं ना छोटे छोटे उनके ढक्कन लिए हैं आप छोटे साइज का ढक्कन लें क्योंकि इसके बाद हम इसको और पतला करने वाले हैं तो ये देखिए अब मैं ढक्कन से इनको काट रही हूँ आई डोंट थिंक सो कि आपने आज से पहले ढक्कन से कभी काटे होंगे मोमोज तो चलिए अभी हम इनको काट के तो इनको अलग कर लेते हैं तो इस तरह से देखिए हमारा जो एक लेयर मैंने काट ली है वो किस तरह से बनी है तो अब इसी तरह से मैं बाकी की भी निकाल देती हूँ तो इसमें से हमारे चार मोमोज बन के रेडी हो जाएंगे ठीक है तो ये देखिए हमारे चार निकल गए हैं अब हम क्या करेंगे इनको एक एक को और पतला करेंगे है तो वैसे ये हल्का पतला ही है पर थोड़ा सा मैं और इनको बड़ा करूंगी बेल के तो एक एक को यहाँ पे लेते जाएंगे और अच्छे से रोलिंग पिन से इसे और हम फ्लैट करेंगे बिल्कुल पतला होना चाहिए मोमोज खाने का मजा तभी आता है अगर ये अच्छे से पतला होगा तो मोटा होगा तो कच्चा कच्चा सा मैदा का टेस्ट आएगा सो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा तो देखिए मैंने इसको अच्छे से पतला कर दिया है इतनी पतली आपकी लेयर बननी चाहिए बिल्कुल पतला सा एकदम स्किन जैसा होना चाहिए बस इस तरह से जब आपका बन जाएगा तो आप पहले थोड़ा हल्का मोटा ही रख लीजिए लेकिन छोटे ढक्कन से काटिए ज़्यादा बड़ा ढक्कन नहीं लेना क्योंकि जब और इसको आप फ्लैट करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा तो थोड़े छोटे छोटे ठीक तो है तो चारों हो गए हैं अच्छे से पतले हो गए हैं चारों इसी तरह अब मैं बाकी सारे बना के रेडी कर लूंगी तो ये मेरे चार हो गए हैं अब मैं बाकी वाले, वाले सारे बना के ऐसे रेडी करूंगी तो ये देखिए मैंने ये भी बाकी जो चार मेरे पीसेस बनाए थे ना मैंने तीन जो बचा लिए थे उनका भी मैंने यहाँ पे बना के इस तरह से सबको अच्छे से रोलिंग पिन से रोल करके फ्लैट कर लिया है ठीक है तो अब हमारी स्टफिंग भी रेडी है और ये भी रेडी है दोनों मेरा सारा सब कुछ रेडी है अब हमें सिर्फ फिलिंग करनी है और स्टीम करना है तो अब आप फ्रेंड्स ध्यान से देखना कि मैं फिलिंग किस तरह से कर रही हूँ बहुत ईजी है शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन बहुत ईजी आप आराम से कर सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी स्टफिंग आप बीच में भर लें मैं तो वैसे ज्यादा स्टफिंग भरती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है थोड़ी ज़्यादा स्टफिंग रहे तो।, तो आप थोड़ी थोड़ी स्टफिंग भरें स्टार्टिंग में क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा पता नहीं चलता है तो मैंने इसे डबल कर दिया है बस इतना ही किया है बीच में स्टफिंग भरी है और इसे डबल कर दिया है देखिए साइड से मैंने इसको पानी लगा के अच्छे से जोड़ लिया है और अब सेंटर में उंगली डाल के दोनों कॉर्नर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद अब ये ये इस तरह की शेप आ गई है हमारी ये देखिए एक मैंने बना लिया है तो यहां पे पानी आप पास रखें और थोड़ा थोड़ा पानी साइडों पे लगाते जाएं जिस तरह साइड साइड पे पूरा पानी लगा के तभी ये अच्छे से चिपकेगा तो देखिए अब मैंने फिर से सेकंड वाला ले लिया है इसके बीच में मैंने यहाँ पे स्टफिंग डाल दी है और इसे इस तरह से डबल करें डबल करने के बाद इसकी साइडें एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपका लें इस तरह से चिपकाने के बाद बस अब सेंटर में उंगली रखें इस तरह से देखिए इस तरह से और एक साइड से एक कॉर्नर लेके आए कॉर्नर के ऊपर पानी लगा के दूसरे कॉर्नर को उसके ऊपर चिपका दें बस ये सबसे इजी तरीका है आप आराम से बना सकते हैं बस अगर आपकी जो जो आपने फ्लैट किया है इसको इतना पतला रखें कि ये मोटा नहीं होना चाहिए इससे टेस्ट नहीं आता है तो आप देखिए दूसरा तरीका मैं कैसे बना रही हूँ बीच में स्टफिंग डाल दी है और साइडों से पूरा दिए की तरह बना दीजिए पाँच छः बार आप साइडों पर दिए की तरह इस तरह से दिए की तरह साइड पर बनाते जाइए इस तरह से साइडों पर पिंच पिंच करके पूरा ऐसे बना लीजिए उसके बाद अब इन सबको हमने साथ में जोड़ना है ध्यान रखें कि ज्यादा मोटा नहीं करना है ऊपर से बस हल्का हल्का सा ही आपको ऊपर से जोड़ना है ताकि ये चिपक जाए एक दूसरे के साथ और ऊपर से इसे थोड़ा सा नीचे दबा लें इस तरह से तो देखिए हमारे ये वाला मोमोज भी बनके तैयार हो गया है आप ऐसी शेप बनाएं या दूसरी शेप बनाएं दोनों बहुत इजी हैं तो मैं आपको एक और बता लेती हूँ देखिए इस तरह से स्टफिंग डाल दीजिए बीच में साइडों पे आप पूरा यहाँ पे पानी लगा लीजिए और पानी लगाने के बाद इसको इस तरह से आपस में चिपकाते जाइए इस तरह दिए की शेप बनानी है बस इस तरह से बना के तो इनको आपने ऊपर से जोड़ लेना है इस तरह की शेप बना ली अब इनको आपस में ऊपर से जोड़ना है ये देखिए इस तरह से क्लोज करके और ऊपर से हल्का सा हाथों से जोड़ लेना है ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए ऊपर से बस इस तरह से जोड़ के इसे थोड़ा सा नीचे दबा दें बस बहुत इजी है आप आराम से बना सकते हैं तो दो शेप्स मैंने आपको बता दी हैं आपको जो भी इजी लगती है आप उस शेप से बना के अपने मोमोज बना सकते हैं तो लीजिए है मेरे दो बन गए हैं और बाकी भी मैं जल्दी जल्दी से बना के रेडी कर लेती हूं तो आज मैंने सिर्फ यहाँ पे मोमोज की वीडियो डाली है तो चटनी भी मैं साथ में आपको दिखाऊंगी लेकिन मैंने चटनी की वीडियो नहीं डाली है अगर आपको चटनी की वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट जरूर करें तो मैं ज़रूर वो भी रेसिपी बना के डालूंगी अब मैंने यहाँ पे राइस कुकर ले लिया है राइस कुकर में बहुत ईजिली मोमोज बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं तो ये मैंने यहाँ पे राइस कुकर ले लिया है और जो इसके बीच में स्टीमर है उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैंने ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पानी को बॉयल होने दिया है जब हमारा यहाँ पे खूब सारा भाप बन जाता है उसके बाद हम सारे मोमोज अपने स्टीमर के बीच में डाल देंगे आप यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम कर सकते हैं मोमोज जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए हो तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मोमोज डाल दिए हैं अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी लीड के साथ और मैं इनको पंद्रह बीस मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी तो पंद्रह बीस मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे ये कितने अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं मोमोज अंदर की जो कैरेट है ना जो गाजर है वो सामने दिख रही है रेड रेड कलर में और पूरे यही मेन जो होता है कि मोमोज हमारे बन के रेडी हैं और चमक आ जाती है मोमोज में और जो अंदर की स्टफिंग है वो आपको बाहर से पूरी दिखने लग जाती है तो यही एक साइन है कि आपके मोमोज जो हैं वो खाने के लिए रेडी हैं बन के तैयार हैं तो आप चाहे तो सिर्फ स्टीम्ड मोमोज भी खा सकते हैं इसी तरह से बस निकालिए और बहुत ही टेस्टी सी चटनी बना के उसके साथ खा सकते हैं बट मैं यहाँ पे इनको आ, ऐसे भी खाऊंगी और साथ में मैं फ्राई भी करके आपको दिखाऊंगी तो देखिए मैं एक मोमोज आपको काट के दिखा रही हूँ तो देख सकते हैं आप कि आउटर स्किन कितनी पतली है और अंदर की स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह से बहुत अच्छे और बस आराम से स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा बाद में आपको बहुत ईजी लगेगा और आप बहुत जल्दी जल्दी बना के रेडी कर लेंगे तो देखिए कितने ट्रांसपेरेंट हैं हमारे मोमोज तो मोमोज जब भी आप फ्राई करें तो टूटा हुआ मोमोज कोई भी बीच में ना डालें जितने भी आपके पूरे अच्छे से बंद होंगे वो ही मोमोज डालें तो मेरे तो सभी अच्छे से बंद हैं कोई भी टूटा हुआ नहीं है तो इसलिए मैं सभी को यहाँ पर डाल सकती हूं तो मैं आधे मोमोज को फ्राई कर रही हूं और आधे जो हम स्टीम ही खाएंगे तो इनको अभी हम फ्राई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से तो मोमोज हमारे फ्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं तो केयरफुल रहें थोड़ा सा फ्लेम को आ, कम ही रखें ज्यादा ना रखें तो बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं तो ये रही हमारी सीक्रेट चटनी जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है सिर्फ लाल मिर्च और लहसुन और टमाटर से बनाई है मैंने ये अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तो देखिए हमारे जो फ्राइड मोमोज़ और दूसरे मोमोज टीम वाले रेडी हैं फ्रेंड्स तो लीजिए आप भी इंजॉय करिए तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलो फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी में तब तक के लिए आप भी घर पे मोमोज बनाइए खाइए इंजॉय करिए और चैनल को प्लीज़ 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 शेयर कर लीजिए तो मिलते हैं फिर से बाय बाय